बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी जिंदगी में जब आपको ना बात करने से घबराहट होती है, किसी चीज के परिणाम से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, आपको ये लगता है कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं और इसका परिणाम क्या होगा। कई बार आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको कोई ट्रिप के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी हो, स्पेशली फादर से बात करनी हो, तो आप कम से कम 4-5 दिन लगा देते हैं सोचने के लिए बात कैसे करूं। और बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बात कर देते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 85% बच्चे जो अपने फादर से फ्रंट बात नहीं कर पाते। ये तो हो गई फादर की बात। कुछ लड़के होते हैं या कुछ लड़कियां होती हैं जो अपोजिट सेक्स से बात करने में उनको दिक्कत होती है, मतलब घबराहट महसूस होती है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको ये फील होता है कि यार किसी ग्रुप ऑफ पीपल में मैं जाके कैसे बात करूं, कोई चीज पूछूं कैसे, घबराहट होती, समझ में नहीं आता कि यार मेरी कोई बात ऐसी ना उसको लग जाए कि जिससे वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाए। तो इस सारी सिचुएशन का हल आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। 7 पॉइंटों को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आपको किसी भी इंसान से बात करने में डर लगता हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार यही होता है। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो आपको लगेगा कि यार मैं एक हाई प्रोफाइल इंसान से कैसे बात करूं, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो यार ये उस बंदे ने सूट पहना हुआ, इस बंदे से बात कैसे करूं, ये पता नहीं कैसी इंग्लिश बोलेगा। इस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। क्लास के अंदर कोई टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है और इसी बीच आपको कोई चीज उसको एक ऐसी सिचुएशन में पूछनी है जब आपको ये फील हो रहा है कि यार मैं अगर खड़ा हो गया तो यार मेरा मजाक ना बन जाए पूरी क्लास में। कोई एक बड़ी बड़ी सभा है उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में बहुत सारे सैलाब है क्वेश्चन के, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार मैं पूछूंगा पता नहीं कैसा बुरा ना लग जाए या फिर मजाक उड़ाने लग जाए चार लोग कि यार ये क्या पूछ रहा है, इसको इतना नहीं पता। अब आपको ये समझना है कि इस सिचुएशन में करना क्या है। सबसे पहले जब भी आपको ये महसूस हो कि यार वो इंसान क्या सोचेगा, जब भी आपको अपनी वॉइस को रेज करना है किसी भी किसी इंसान के सामने तो उसको बेवकूफ समझ लेना। जब आप उसको बेवकूफ समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, तो बेवकूफ है इसके सामने तो कुछ नहीं बोल दूंगा। इससे होगा क्या, आप अपना इंट्रो या फिर अपना पॉइंट रख पाएंगे। एक स्टार्टिंग वे के लिए बता रहा हूं कि जब आप बोलोगे तो दूसरे इंसान को बेवकूफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ उस सिचुएशन के लिए जब आपको अपनी बात स्टार्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आपने बात स्टार्ट कर दी वो भी आपको रिप्लाई कर रहा है, आप उसको कंटिन्यूअसली बेवकूफ समझने लग रहे हो, ये मत समझना। बस अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए अपने दिमाग में आपको यही समझना है कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं और मैं समझदार हूं, मैं ही पूछ सकता हूं, और अगर इनको पता ही नहीं होगा क्या कैसे हंसेंगे। तो अपने आप को अपनी बात को रखने के लिए दूसरों को बेवकूफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जो मैं हूं जैसा हूं सही हूं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं और इसी वजह से हम ये सोचते हैं वो तो ऐसा है इंसान है, वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा मेरी बातों का। तो जैसा मैं हूं, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है तो पूछना, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे मेरी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं जैसा भी हूं जो भी हूं मैं हूं और मैं बहुत बढ़िया हूं, तो आपको किसी के सामने बात रखने में बहुत आसानी होगी। तीसरा पॉइंट, देखो आप अपने आप को किसी से कम मत समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आप अपने आप को हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हो। देखो आप अपनी इस दुनिया में आए हो ना तो अपना एक वजूद रखो कि यार इस इंसान ने बोलना स्टार्ट किया ना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इसके सामने, ये दूसरे लोगों को समझना है। और जब दूसरे लोग ये समझना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको अपनी वैल्यू को समझने के बाद गर्व होगा कि यार मेरी वैल्यू इतनी है। मेरे को बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार रोहित तू बहुत बढ़िया बोलता है और तू ना लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत माहिर है, बहुत आराम से अट्रैक्ट कर लेता तेरी बातों से। हालांकि हो सकता है मेरी बातें बेकार हो, कोई सेंसलेस बातें हो, बट मुझे लगता है कि मेरी बातें जो है सेंसिबल होती है और समझदारी वाली होती है। तो आपको ये भी ये चीज समझनी होगी, और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ऐसा था, ये ग्रेजुएशन के बाद से आना स्टार्ट हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, ग्रेजुएशन कंप्लीट तक मैं शाय रहता था अपनी क्लास के अंदर, एक जो छुपे रहने वाले बच्चे होते ना कि कोई टीचर अगर खड़ा है तो नीचे अपने सर को रखो ताकि वो आपसे क्वेश्चन ना पूछ ले, तो इस तरीके का बच्चा था मैं।
लेकिन जब मैं MBA के फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मैंने अपने आप को उठाना स्टार्ट किया, बेइज्जती करवाना स्टार्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस काम से आपको डर लगता है उसी काम को आप करोगे तो उसी काम को बाद में करने में बड़ा मजा आएगा। तो यही मेरे साथ हुआ, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचा तो मैं उसी काम को बार बार कर रहा था जिस काम से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। चौथा पॉइंट देखो, जिस काम से आपको डर लगे उस काम को करना स्टार्ट कर लो कंसिस्टेंटली, उससे होगा क्या, उस चीज का ना डर निकल जाएगा, और जब ये डर निकलता है ना भाई साहब, उसी काम को करने में बहुत मजा आता है। पांचवा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी वैल्यू आप खुद बनाते हैं लोगों के सामने। घबराहट महसूस हो रही है, बात नहीं कर पा रहे हो, दिक्कतें आ रही है, तो भाई ये आपकी वैल्यू है। आपको लोग दो कौड़ी का नहीं समझेंगे जब आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे। आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, आप उसको बनाना चाहोगे तो ऊपर चले जाओगे, अगर बिगाड़ना चाहोगे तो जमीन पे गिर के आ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बोलो कम सुनो ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इस बात को लिख लो, सुनना स्टार्ट करो लोगों की बातें, उसके बाद बोलो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हो। और ये मेरे साथ भी है कि एक MBA पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि भाई बोलने में ध्यान रखना है, सुनना था ही नहीं किसी का। मुझे ये फील होने लग गया था, बाद में मिसकंसेप्शन हो गया था कि यार अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग बेवकूफ समझना स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में हुआ क्या, जब ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया तो मैं ही बेवकूफ लगने लग गया कि भाई जब आप अननेसेसरी किसी को एडवाइस दे रहे हो, बोलने लग रहे हो, तो आपकी लिसनिंग पावर बहुत कमजोर होगी और आप बेवकूफ लगना स्टार्ट हो जाओ। सातवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यह है, नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को अपनाओ। देखो कोई भी चीज आपने की हो, कोई भी पॉइंट आपने बोला हो, उन सभी के अंदर आपको ये फील होना चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके जाऊंगा भाई से। अगर पॉजिटिव लेके नहीं गया तो कोई फायदा ही नहीं है मेरे को। तो इस चीज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, पॉजिटिव चीजें निकालना कोई भी बातों में से। तो ये सात पॉइंट आपको कहीं भी किसी भी इंसान से बात करने में, किसी भी डिस्कशन के अंदर घुसने में बहुत आसानी देगा। और जब आप किसी डिस्कशन के अंदर घुस जाओगे, किसी से बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आप उसको कुछ भी नहीं समझोगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चलो एक पॉजिटिव, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।